3.1 जनरलाइजर कर अकाउंट जी सेम नेक्स्ट तो ज्यादा बैलेंस से ज्यादा तो हाँ सही होगा ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल। अच्छा इसको देखिए कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री थी उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल भी 1600 आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन 1600 आएगा, ब्रॉड डाउन भी 1600 आएगा ना, और ब्रॉडर के साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर। ऐसे अकाउंट जब में एक ही एंट्री हो तो उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। एक ही वैल्यू 4-5 बार देखना पड़ेगी आपको, इधर 1600 वहां 1600, फिर कैरेट डाउन में 1600, फिर ब्रॉड डाउन में 1600 आएगा। तो जिसमें एक एंट्री हो उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट परचेजेस और अकाउंट्स पेबल, परचेजेस और अकाउंट्स पेबल सेम। नेक्स्ट सेल्स और परचेज रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। कंप्लीट हो गए। अच्छा जनरल लेजर कंप्लीट, इसका ट्रायल बैलेंस अब ये 3.1 का है ट्रायल बैलेंस। टोटल आ रहा है 2072। सब यहाँ तक क्या प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
कंटिन्यू करेंगे।